अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात प्ले ग्रुप मजबून उर्दू का ये सबक नंबर 6 है। सबक नंबर 6 का उन्वान क्या है? जी, सबक नंबर 6 का उन्वान है बुनियादी रंग। बुनियादी रंग 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला। कौन कौन से होते हैं बुनियादी रंग? लाल, पीला और नीला। अब हम जानते हैं कि हमारे बुनियादी रंग पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम जानेंगे, लाल रंग की पहचान करेंगे, पीले रंग की पहचान करेंगे और नीले रंग की पहचान करेंगे। इसके साथ साथ हम सरगर्मी करेंगे और अमली किताब में दिए गए अहदाफ मुकम्मल करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लाल, नीले, पीले रंग दिखते कैसे हैं? चलिए हम देखते हैं एक वीडियो जिसमें लाल, पीला और नीला रंग है। यह है लाल, पीला, नीला रंग। जी, तो था आपके देखा कि लाल, नीला, पीला रंग दिखता कैसा है। ये क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? जी, ये तो एक सेब है। तो आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले हम कौन से रंग के बारे में बात करेंगे? लाल रंग के बारे में, यानी हम लाल रंग की अशिया जानेंगे कि लाल रंग के ज़खीरे अल्फाज कौन कौन से होते हैं। लाल सेब, लाल स्ट्रॉबेरी, लाल अनार, लाल टमाटर, लाल चेरी, लाल गुलाब। अब हम करेंगे अपने पहले दिन अपनी अमली किताब के सफ़ा नंबर 14 पर काम। और सफ़ा नंबर 14 पे हमें क्या काम करना है? हमें भरना है रंग। कौन सा रंग भरेंगे हम? बुनियादी रंग लाल। और ये क्या है? जी, ये बना हुआ है एक टमाटर। क्या ये लाल है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें रंग भरेंगे। और कौन सा रंग भरेंगे? लाल रंग। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। ये क्या है? क्या आपने पहले कभी देखा है? इसका नाम पता है आपको? इसका नाम है केकड़ा। जी, तो अब हम केकड़ा बनाएंगे। क्या आपको केकड़ा बनाना आ रहा है कि कैसे बना हुआ है? चलिए मैं बताती हूँ। ये आप बनाएंगे कुछ इस तरह। आप लाल रंग का कागज़ लेंगे, उसके दायरे काटेंगे और उसको आधा तह लगा देंगे। एक आप बड़ा दायरा लेंगे और 4 छोटे दायरे लेंगे। फिर ऐसे आप उनको शक्लों में और एक केकड़े की सूरत बना देंगे। फिर केकड़े की कितनी टांगे हैं? जी, केकड़े की 6 टांगे होती हैं। तो आप काली पेंसिल से उसकी 6 टांगे बना देंगे और उसकी आंखें भी बना देंगे। तो ये बन गया केकड़ा। और आप ये केकड़ा जब बना लेंगे तो अपनी टीचर को दिखाएंगे भी और उसको महफूज कर लेंगे कि जब आप अपनी जमात में वापस जाएंगे तो आप ये अपनी टीचर को देंगे और टीचर आपके फोल्डर में रखेंगी ये। अब हम बढ़ते हैं जनाब। जी, ये क्या नज़र आ रहा है? ये तो एक पपीता है और बहुत खुश है पपीता। तो अब क्या बता सकते हैं आप, हम किस रंग के बारे में बात करेंगे? पीले रंग के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कुछ पीले रंग के ज़खीरा अल्फाज। पीला सूरज, पीला आम, पीला केला, पीला लीमू, पीला अनन्नास, पीला चूजा। तो अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे दिन के अमली काम की तरफ। और हम अमली किताब में अपनी क्या काम करेंगे? सफ़ा नंबर 19 पे। और सफ़ा नंबर 19 पे आपको क्या बना हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे? जी, ये है आम। और आम का रंग कौन सा होता है? पीला। ये आम भी पीला नहीं है। आप इसको पीले रंग से रंग भर देंगे। पीला आप पेंसिल कलर ले लें या मोमी रंग ले लेंगे और इसको आप अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा पीला रंग भर देंगे इसको। तो ये आम पीला हो जाएगा और ये खुश हो जाएगा। जी, अब हम बढ़ते हैं सरगर्मी की तरफ। और हम जानते हैं आज हम सरगर्मी में
क्या बना रहे हैं? आपको पीले रंग का कागज लेना है और जैसा वीडियो में दिखाया है आपको वैसे करना है। जी, तो आप सरगर्मी के लिए तैयार हैं क्या? आपको ऐसा पीला कागज लेना है और जो दिखाया जा रहा है इस वीडियो में उसको आपको अच्छी तरीके से देखना है और उसी तरीके से अमल भी करना है। जबरदस्त, ये तो आपका एक सूरज बन गया। तो क्या आपने सूरज बना लिया? अब ये सूरज भी आप महफूज कर लेंगे और अपनी टीचर को देंगे ताकि वो फोल्डर में रख सकें। जबरदस्त जी, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल दुरुस्त, ये तो एक मछली और मछली बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि अब हम बात करेंगे नीले रंग की। तो हम जानते हैं नीले रंग के जखीरा अल्फाज। नीला आसमान, नीली मछली, नीला पानी और नीली चिड़िया। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे दिन के काम की तरफ और तीसरे दिन हम अमली किताब के सफा नंबर 32 पे क्या करेंगे? जी, ये क्या बना हुआ है? ये तो एक तितली है और तितली का नाम क्या है? नीली तितली। लेकिन इसमें तो नीला रंग है ही नहीं, तो इसको भी आप मोमी रंग से या पेंसिल रंग से नीला कर देंगे ताकि ये नीली तितली भी बहुत खुश हो जाए। जी, अब हम बढ़ते हैं नीले रंग के सरगर्मी की तरफ। और नीले रंग की सरगर्मी क्या है आपको पता है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। चले देखते हैं हम नीले रंग से क्या बनाना सीख रहे हैं। आपको नीले रंग का कागज लेना पड़ेगा और किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं आप, ताकि आप ये काम कर सकें, या आपकी टीचर भी आपको ये काम करवा सकती हैं। साथ साथ आप टीचर की हिदायत पर अमल कर कर भी ये एक मछली बनाएंगे हम। आइए देखते हैं हम नीले रंग की मछली कैसे बनाएंगे।
जी, ये तो बहुत प्यारी सी मछली बन गई। क्या आपने मछली तैयार कर ली अपनी? शाबाश जी। तो अब हम बढ़ेंगे चौथे दिन अपनी नोटबुक यानी कॉपी में काम करेंगे। और नोटबुक यानी कॉपी में क्या काम है आपका जी? यहाँ पर तो बुनियादी रंग की तस्वीर बनी हुई है। यह है अनार। अनार का रंग क्या होता है? बिल्कुल दुरुस्त, अनार लाल रंग का होता है। यह है सूरज। सूरज कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। और मछली में आप कौन सा रंग भरेंगे? नीला रंग। तो आप इन तस्वीर पे बुनियादी रंग भरेंगे क्योंकि आपका उन्वान क्या है? बुनियादी रंग जी। तो ये था आपका सबक नंबर 6। और आज आपने सबक नंबर 6 में क्या किया? बुनियादी रंग पहचाने, उनकी अशिया पहचानी और बड़ी मज़ेदार सरगर्मियाँ की। लाल रंग से हमने केकड़ा बनाया, पीले रंग से हमने सूरज बनाया और नीले रंग से हमने एक मछली बनाई। क्या आपको मज़ा आया ये सब करने में? मुझे तो बहुत आया। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आपके घर में जो लाल, पीले और नीले रंग की अशिया होंगी, आप उनकी भी पहचान करेंगे, उनके नाम भी याद करेंगे। तो आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह हाफिज़।